नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। अंबेडकर नगर जिले के थाना क्षेत्र राज्य सुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम इंदौर घिनपुर उर्फ पोखरा निवासी श्वेता जायसवाल पुत्री भोला जायसवाल की शादी 3 दिसंबर 2017 को विकास जायसवाल पुत्र सुभाष जायसवाल गांव जोल्हापुर थाना कंद्रापुर जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी। इस लड़की को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और 21 दिसंबर 2017 को मिट्टी का तेल छिड़ककर इसे जला दिया गया, जिसे आजमगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद इसे वाराणसी ले जाने के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में ले जाते समय श्वेता की मौत हो गई, जबकि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया कुछ और बता रहा है। साथ ही पुलिस विभाग कार्रवाई करने में टालमटोल कर रहा है। श्वेता जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि मेरे पति की माँ ने मुझे बार बार दहेज मांगकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी, जिसके कारण मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर मुझे जला दिया गया। हाँ, ये देखिए, इस लड़की को जला दिया गया है, जिसका नाम श्वेता जायसवाल है। जिसका नाम श्वेता जायसवाल, इसका मायका ग्राम पोखरा थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर है और जिसका ससुराल ग्राम जोल्हापुर थाना कंदरापुर जिला आजमगढ़ है। इस लड़की को बुरी तरीके से जला दिया गया है और प्रशासन की तरफ से पूरी लापरवाही हो रही है और इस लड़की को आजमगढ़ के जिला अस्पताल द्वारा रेफर किया जा चुका है। हाँ, तो तुम्हें किसने जलाया था? तुम्हारे सास ससुर ने जलाया है? अच्छा, किस कारण से जलाया है तुम्हें? दहेज खाती जलाया है। हाँ।